सभापति जी, मैं राष्ट्रीय जल जीवन के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम नगर पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में पानी की टंकियां बन रही हैं। हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। तमाम काम पूरे हो जा रहे हैं, पानी की टंकियां बन जा रही हैं। लेकिन बनने के बाद इन टंकियों को चलाने का जिम्मा नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाता है। क्योंकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के पास इन पानी टंकियों के संचालन के लिए कोई अपना टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके कारण ये पानी की टंकियां बंद करके जिस उद्देश्य के लिए कि लोगों तक पानी पहुंचे, वो योजना सफल नहीं हो पा रही है। और मैं व्यक्तिगत अपना कारण भी कहना चाहता हूं। इसी सदन में मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे, वो माननीय सभापति जी, और हमारे घर के जस्ट सामने पानी की टंकी आज 20 साल से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हमारी यह व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद हैं, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहे। हम जिले के दिशा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बार कहने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो पानी की टंकियां बन रही हैं, उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की भर्ती किया जाए, और नहीं तो जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री जी श्री आसामी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।